हेलो गाइस, आपका अन्नपूर्णा रसोई में फिर से स्वागत है। आज हम बनाएंगे मखनिया दाल, जो उड़द और राजमे को भिगो के बनती है। उसके लिए हमें 1 कप उड़द दाल खड़ी साबुत और 2 कप राजमा, और उसके लिए ये लगेगा हमें पेस्ट प्याज और टमाटर, लहसुन का पेस्ट है गाइस ये, और कुछ काट के भी डालेंगे हम वो ये। और खड़े मसाले में गाइस लगेगा हमको 4 लौंग, आधा चम्मच जीरा, 2 से 3 पत्ते तेज पत्ता, और ये 2 इलायची बड़ी, थोड़ी सी दालचीनी और काली मिर्च आधा चम्मच। और सूखे मसाले में गाइस लगेगा हल्दी, धनिया पाउडर और आधा चम्मच गरम मसाला, और स्वाद अनुसार नमक। और गाइस तड़के में लगेगा हमें प्याज, अदरक कटा हुआ, महीन बारीक कटा हुआ होगा गाइस, वो अच्छा लगता है मुँह में खाने पर वो है। और हम इसको छौंकेंगे गाइस देसी घी और बटर से। और गाइस जब दाल पक जाएगी तो उसमें हमें लगेगा 1/2 कप दूध फुल क्रीम वाला। चलिए गाइस अब हम बनाते हैं अपनी मखनिया दाल, जिसका स्वाद बिल्कुल मक्खन के जैसे ही होगा। अब हम इसमें ये अपने सारे खड़े मसाले डालेंगे। गाइस अब हम डालेंगे प्याज, हरी मिर्ची और ये साथ में बटर। हमारी प्याज तैयार हो जाएगी है, अब थोड़ा ये जो पेस्ट तैयार किया है इसे डाल। डाल दिया है अब इसमें गाइस ये टमाटर काटेंगे, अदरक, गाइस ये जो सूखे मसाले थे वो हम डाल देंगे। देखिए गाइस दाल हो गई है, इसलिए अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। देखिए गाइस अब हमारा ये मखनिया दाल पक के रेडी हो गया है। इसमें हम ये जो दूध रखा था ये ऐड कर देंगे। देखिए गाइस अब हमारे मखनिया दाल बनके तैयार हो गई है। आप लोग इसको घर पे ज़रूर बनाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट्स ज़रूर करिएगा। उसमें बताइएगा ज़रूर कि आपने आपको कैसा लगा मखनिया दाल। बाय गाइस, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।